इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं। बीजेपी डजंट हैव अ सिंगल मुस्लिम एमपी इन लोकसभा, राज्यसभा और एनी स्टेट असेंबली। दे स्पोक अबाउट सबका साथ सबका विकास, विच टर्न इनटू जो हमारे साथ हम उनके साथ, एंड प्रूव्ड राइट बाय द फेल्ड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस फेल्ड गवर्नमेंट यस्टरडे। सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, आपको कंटिन्यू करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया, एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। सर ये जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, क्या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे, कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर, बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे हैं। वाह सर वाह, बोलिए इन बात पे। एंड दिस इज द ट्रेजेडी, द एग्जांपल यू ऑल सेट इन द हाउस, दिस इज व्हाई आई से टी फॉर ट्रेजेडी। द पीएम वाज द फेस, द बॉडी एंड द हेड ऑफ द बीजेपी कैंपेन व्हिच क्राइड अब की बार 400 पार। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑडिट, द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इज BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan of "Jo Ram ko laaye hai, hum unko laayenge" backfired. I would rather say, "Prabhu Ram aaye, to Nyay aaya." Kuch vakt zarur laga, lekin insaaf aaya. BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. वक्त बदल गया है, देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. The message from the electorate of this country is loud and clear. Waqt badal gaya hai. The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. थोड़ा सबर रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। Sir, one thing has changed. I was sitting throughout when the budget was being read. Only the cheerleaders have gone down in numbers. वो बेंच बजाने वालों का थोड़ा नंबर कमती हो गया है। Today is exactly 50 days since the rejection. But PM Modi refuses to accept the reality. He is running a coalition government and he wants everyone to believe that sab changa hai. So budget, BUDGET, it is 6 letters. And I will explain all 6 letters in details. So let me start with B. B for betrayal. बजट का बी पे बोला बिट्रेयल, अब यू पे आता हूँ। सर यू स्टैंड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, मोदी जी की तीसरी बार, युवक अभी भी बेरोजगार। सर लुक व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट हैज डन टू दिस कंट्री, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। सर दे हैव गॉन मैड, दिस इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट हैज डन। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट दे फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट बेटी को नौकरी दिलाओ। मोदी जी की तीसरी बार, गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार, वंचित हो रहे देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी। आर लीडर्स फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ बंगाल वेर इवन डिटेन्ड इन दिल्ली बाय दिल्ली पुलिस,
Even women MPs were manhandled and dragged by their hair. And this BJP talks about Nadi Shakti. Tisri baar, Modi Sarkar kho gaya hai siksha ka adhikar. Mazdoor ki jeb ho rahi hai khali. Batao kab ye halat hai sudharne wali. To budget ka B tha betrayal, U tha unemployment, D tha deprive, G tha guarantee, G for guarantee. But a guarantee, but a, sir khud bol raha hai uska sarkar ka ghotala sir, dekhiye. Sir, thank you. I would take that acronym. He's very good. Sir, G for guarantee, G for ghotala. Need ghotala and a guarantee with zero warranty. Sir, he guaranteed that terrorism would be curbed. Again failed. There has been 26 terror attacks in Jammu and Kashmir in the last 6 months. Ab main E pe aata hun. Sir, E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. Mane sadashar, please. Tragedy. And this is the tragedy. The example you all set in the house. This is why I say T for tragedy. Yes. Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Yes. Sir, what happened when Ayodhya Ram Temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Yes. Sir, when Mumbai's Atal Setu, started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? Sir, the rail minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. Sir, 244 train accidents between 2017 and 2022.